औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेरी फाइन एट होम्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स टुडे आई डिस्कस विद यू पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं इस लेसन के, आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। Ahmad, oh, who looked after him then? Nani, his grandfather Abdulmuttalib, he was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad sallallahu alaihi wasallam for 4 years and suckled him. After this, his mother looked after him. Wanas Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. At that time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 6 years old. Then the whole responsibility of Muhammad's upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdulmuttalib. However, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8 years old, his grandfather also died. But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. All the children, did Abu Talib have no children of his own? Nani, no. He had his own children also, but he loved Muhammad sallallahu alaihi wasallam like his own child. He took Muhammad sallallahu alaihi wasallam with him on his journey to Syria. At that time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 12. During this journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey, but take Muhammad sallallahu alaihi wasallam back to Makkah. All the children, why did he do so? Nani, he told Abu Talib that he had seen in Muhammad sallallahu alaihi wasallam all the characteristics of the lost prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise from which he had earned a very good profit. Today, we will study here. Dear children, now this is the third part which I discussed with you in this offline class. ये मैं तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहा हूं इस ऑफलाइन क्लास में। यह आपकी बुक पर है ऑन पेज नंबर 24। Ahmad, who looked after him there? Ahmad, आप अपनी नानी से सवाल कर रहा है, तो एक सवाल कर रहा है कि जब उसका बाप इस दुनिया से चल बसा, तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? मैंने आपको बताया पहले क्लास में, पार्ट फर्स्ट में, कि ये चार बच्चे हैं, अहमद, कमाल, सलामत, शबनम, ये चार बच्चे, ये अपनी नानी के पास बैठे और नानी से कहा कि हमें एक स्टोरी सुनाए। तो नानी ने उनसे वादा किया था कि मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताऊंगा। तो उसने ये ट्रू स्टोरी, अब ये नानी उनको एक स्टोरी बता रही है, जो स्टोरी जो एक बड़ी हस्ती है दुनिया की, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी के बारे में स्टोरी कह रही है उन बच्चों को। अब अहमद ये सवाल कह रहा है, हु लुक्ड आफ्टर हिम देयर, अब उसकी निगरानी, अब उसकी देखभाल किसने की जब उसका बाप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप अब्दुल्लाह इस दुनिया से चल बसा, तो उसके बाद उसकी परवरिश किसने की? नानी, हिज ग्रैंड फादर अब्दुलमुत्तलिब। नानी ये बता रही है उन बच्चों को, अहमद को ये बता रहे कि अब उसकी परवरिश अब्दुलमुत्तलिब, अब्दुलमुत्तलिब जो ग्रैंड फादर था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रैंड फादर था, दादा था अब्दुलमुत्तलिब, उसने अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। ही वाज़ द हेड ऑफ हिज ट्राइब, वो अपनी अपने जो उनका जो ट्राइब था, कबीला था, उसका हेड था कौन? अब्दुलमुत्तलिब। अकॉर्डिंग टू द अरब ट्रेडिशन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ अ वुमन, हलीमा, हू ब्रॉट अप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 4 years एंड सेटल्ड हिम। अकॉर्डिंग टू द अरब ट्रेडिशन, अरब में एक रिवायत था, अरब में एक रिवायत थी, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स रिवायत, अरब में एक रिवायत था, वो रिवायत ये थी कि जब कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको अर्ली केयर के लिए किसी जो दाई होती है, जो सकरण मदर होती है, जो दूध पीने वाली मदर होती है, उसके पास भेज, जिसको बोलते हैं फोस्टर मदर। According to Arab tradition, अरब का ये रिवाज था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के पास उनको अर्ली केयर के लिए भेजा, जिस वुमन का नाम था दाये हलीमा। उस वुमन का क्या नाम था? हलीमा, दाये हलीमा जिसको हम बोलते हैं।
वो सोनल का नाम था, हलीमा उसके पास अर्ली केयर के लिए भेजा, किसको? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कितने टाइम तक? हु ब्रॉट मंसूर फॉर 4 years एंड सेक्लर हिम, और 4 साल तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दाई हलीमा के पास रहे, ताकि उसने दाई हलीमा ने उनको दूध पिलाया 4 साल तक। आफ्टर दिस हिज मदर लुक्ड आफ्टर हिम, इसके बाद ये अपनी माँ के पास वापस हजरत आमिना के पास वापस भेजा गया, तो आमिना अब उसकी परवरिश करने लगी। तो लुक्ड आफ्टर हिम, वंस आमिना टुक हिम टू हर रिलेटिव्स इन मदीना, एक दफा आमिना ने हजरत मसूद को अपने पास अपने साथ कहा गया, अपने रिलेटिव्स वो चले गए। वो रिलेटिव्स कहां पर थे? मदीना में रिलेटिव्स थे, तो वहां पर ये गए हजरत आमिना और हजरत मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ थे। तो दे स्पेंट 1 month देयर, और उन्होंने वहां पर एक महीना गुजारा, मंथ मीन्स महीना, एक महीना गुजारा वहां पर। ऑन हर वे बैक टू मक्का, तो फिर वहां से वो वापस आए, मदीना से वो मक्का वापस आए। जब वहां पर एक महीना गुजारा हजरत आमिना जो हजरत मसूद की माँ थी और मोहम्मद भी इसके साथ थे, तो वहां पर एक मदीना में एक महीना गुजारा अपने रिश्तेदार के वहां पर एक महीना गुजारा। तो वहां पर जब वहां से जब वो वापस आए, तो आमना पहले और रास्ते में ही आमना हजरत आमना बीमार हुई, तो आमना पहले डाइड। जब वो रास्ते में वो बहुत ही बीमार हुई, तो वो भी इस दुनिया से चल बसी, वो भी फौत हो चुकी हजरत आमना। At that time Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was 6 years old. उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने इसकी उम्र कितनी थी? Only 6 years. 6 साल की उसकी उम्र थी. 6 years. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो उनको उनकी माँ का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली 6 बरस के थे. Then the whole responsibility of Muhammad's sort of upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. अब मोहम्मद का न बाप रहा, अब न माँ रही, अब ये सारी जिम्मेदारी किस पर पड़ी? उसके ग्रैंडफादर जो दादा थे अब्दुल मुतलिब पर अब ये जिम्मेदारी पड़ी। अब ये अब्दुल मुतलिब उसकी उसकी देखभाल करने लगे। हाउएवर व्हेन मोहम्मद वाज 8, अब जब हजरत मोहम्मद 8 साल की उम्र में थे, तो क्या हुआ? ही लेफ्ट हिज 8 हिज ग्रैंडफादर आल्सो डेड। तो जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे, तो उसका जो दादा था, ग्रैंडफादर था अब्दुल मुत्तलिब, उनका भी इंतकाल हो चुका। तो अब उनके पास कोई न रहा, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास न मां रही, न बाप रहा, अब न ग्रैंडफादर भी नहीं रहा। अब खाली जब उनके ग्रैंडफादर का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनली 8 years old, खाली 8 साल के थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके ग्रैंडदादा का इंतकाल हो गया, जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। बट बिफोर हिज डेथ ही लेफ्ट हिज ग्रैंडसन इन द कस्टडी ऑफ हिज सन अबू तालिब। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह किया, मरने से पहले उसने यह किया, उसने अपने इस ग्रैंडसन को हजरत मोहम्मद को कहां पर डाला? अपने सन के पास, अबू तालिब के हवाले किया। मरने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने इस ग्रैंडसन को अबू तालिब के हवाले किया, द एल्डर ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड फादर ऑफ द प्रॉफिट। ये उनके एल्डर ब्रदर थे, जो हजरत मोहम्मद का जो बाप था अब्दुल्ला था, उसके बड़े भाई हैं अबू तालिब, उसके हवाले किया। किसने? अब्दुल मुत्तलिब ने। ऑल द चिल्ड्रन, डिड अबू तालिब हैव नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन? अब सब बच्चों ने नानी से यह सवाल किया, क्या अबू तालिब को अपने बच्चे नहीं थे? अबू तालिब इसरो क्वेश्चन पर, अबू तालिब उस पैदर का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब उस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदर, तो वो गो एम सी कोर के हवाल अब्दुल मुत्तलिब मारन ब्रोट एंड एम सी हवाल, तो इस पर हजरत मोहम्मद 8 हो। क्लियर? तो अब बच्चे ये सवाल क्या रहे, क्या अबू तालिब को अपने बच्चे नहीं थे? ये नानी से सवाल कर रहे थे कि अबू तालिब को अपने बच्चे नहीं थे? नानी, नो, he had his own children also. नहीं, उसको अपनी भी बच्ची थी। नानी अब ये कह रही है इन बच्चों को अहमद कमाल सुलेमान शबनम को, कि अबू तालिब को अपने भी बच्चे थे। लेकिन
बट ही लव मोहम्मद लाइक इज ऊंच अली, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही प्यार करते थे, लाइक इज ऊंच अली जिस तरीके से अपने बच्चों से प्यार करता था इसी तरीके से वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी प्यार करता था। He took Mansur with him on a straight journey to Syria. अब ये तुजारत करता था, जो अबू तालिब ये ताजर था, ये तुजारत करता था, इसने अब ये सीरिया का एक मुल्क का नाम मुल्की शाम उसको बोलते सीरिया मुल्की शाम, जो ये शाम जाता था तुजारत करने के लिए, अब इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले लिया, कहां मुल्की शाम में सीरिया को, सीरिया के जब वो सीरिया गए तुजारत करने के लिए उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले लिया तुजारत करने के लिए। उस वक्त मोहम्मद की कितनी उम्र थी? एट दैट टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 12। उस वक्त हजरत मोहम्मद जब वो तुजारत करने के लिए गए अपने अपने चचा के साथ, उस वक्त मोहम्मद की उम्र कितनी थी? 12 ईयर्स। उस वक्त मोहम्मद की एज थी 12 साल। ड्यूरिंग दिस जर्नी दे मेट ए क्रिश्चियन मोन हू एडवाइज्ड अबू तालिब नॉट टू कंटिन्यू हिज जर्नी बट टेक मोहम्मद बैक टू मक्का। जब वो मुल्क शाम में तुजारत करते थे, अबू तालिब वहां पर तुजारत करते थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ थे शाम में, मुल्क शाम में, तो वहां पर उनका मुलाकात एक क्रिश्चियन मॉन्क से हुआ, जो क्रिश्चियन पादरी था, जो ईसाई पादरी था, उसके साथ उनकी मुलाकात हुई वहां मुल्क शाम में। ज्यूरिंग दिस जर्नी दे मेट ए क्रिश्चियन, वहां पर एक क्रिश्चियन मॉन्क से मुलाकात हुई, हु एडवाइज्ड अबू तालिब, उसने एडवाइज उसने नसीहत की अबू तालिब को, इस क्रिश्चियन मॉन्क ने अबू तालिब को नसीहत ये की, क्या की? नॉट कंटिन्यू जर्नी बट टेक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक टू मक्का। उसने अबू तालिब को ये एडवाइस की कि आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू मत कीजिए, इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां वापस ले जाएगा मक्का, मक्का शरीफ उसको वापस लीजिए। अबू तालिब नॉट कंटिन्यू जर्नी, उसने अबू तालिब से कहा कि उस अपनी जर्नी को कंटिन्यू मत कीजिए, बट टेक मोहम्मद बैक टू मक्का, जो आपके अपने आपने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया, या जो ये छोटा लड़का था उस वक्त आपने अपने साथ ले आए, उसको वापस वहां लीजिए, या बैक टू मक्का, मक्का शरीफ उसको वापस लीजिए, उसके जर्नी जो उसका जो सफर वो कंटिन्यू मत कीजिए। ऑल द चिल्ड्रन व्हाई डिड ही डू सो, सभी बच्चे फिर सवाल करने लगे नानी से, उसने क्यों कहा, इस क्वेश्चन मार्क ने क्यों कहा अबू तालिब से उसकी जर्नी उसका सफर कंटिन्यू मत कीजिए। नानी He told Abu Talib that he had seen in Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam all the characteristics of the lost prophet that the Bible talks about. Nani, आप उन बच्चों से ये कह रही हैं कि Christian monk ने इसलिए कहा कि he told Abu Talib that he had seen Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam all the characteristics. उसने Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam इस Christian monk ने Abu Talib से इसलिए कहा कि उसने तमाम characteristics पाए किसमें, इस Christian monk ने तमाम अवसाफ जो खास अवसाफ थे वो खास अवसाफ उस क्रिश्चियन मॉन्क ने सभी पाई किसमें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सभी वो अवसाफ पाए, और करेक्टर ऑफ द लॉस्ट प्रॉफिट कि ये आखिरी पैगंबर आने वाला है। उसने अबू तालिब से कहा कि इसका इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर था वो कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि ये आखिरी पैगंबर बनने वाला है। बिकॉज ही हैड सीन, उसने सभी जो करेक्टरिस्टिक्स जो थे उसके जो खास अवसर थे उस क्रिश्चियन मॉन्क ने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पाए, तो इसलिए ये आखिरी पैगंबर बनने वाले हैं। तो उसने इस क्रिश्चियन मॉन्क ने वो कहां पर देखा है, दैट बाइबल टॉक्स, उसने बाइबल में पढ़ा है, उस वक्त जो पहली कुरान शरीफ की जो पहली जो खास मतबर किताब वो बाइबल थी, उस क्रिश्चियन मॉन्क ने उसी किताब में पाया है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसने अबू तालिब से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई हार नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए आप उसको मक्का वापस लीजिए इमीडिएटली। It is said that Abu Talib returned to Makkah. इसलिए अब अबू तालिब अब वापस घर जाने लगे, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले लिया। It is said that Abu Talib returned to Makkah. अब ये वापस गए मक्का शरीफ अबू तालिब, after selling his merchandise, जो उसके पास जो merchandise थे, merchandise के means तुजारती सामान उसके पास थे अबू तालिब के पास, वो उसने सभी sell की बेच आए, from which he had earned very very good profit. लेकिन उस वक्त जब उसके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अबू तालिब के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस वक्त अबू तालिब ने
बहुत ही प्रॉफिट हासिल किया, वेरी गुड प्रॉफिट, प्रॉफिट माने मुनाफा, उसने अच्छा मुनाफा कमाया वहां मुल्क शाम में जो वो तजारत करते थे। प्यारे बच्चों, ये आज हमने थर्ड पार्ट डिस्कस किया है आपके साथ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली एंड अकॉर्डिंगली यू राइट डाउन दीज वर्ड्स ऑन योर इंग्लिश एक्सरसाइज नोटबुक। थैंक्स।